बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बनाए हैं मोहर्रम स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चोंगे, वो भी एक नई स्टाइल में। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोहर्रम स्पेशल रोट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप मैदे को छान के लेंगे। दो टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, क्वार्टर टीस्पून इलायची का पाउडर और दो टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर डालेंगे। सारी सामग्री को हमें पहले अच्छे से मिला लेना है। आधा कप हमने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका हम चपाती की तरह आटा तैयार करेंगे। आप चाहे तो दूध के बदले में पानी भी ले सकते हैं। इतना आटा तैयार करने में हमें लगभग 1/4 कप यानी 2.5 टेबल स्पून दूध लगाए। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए, आटा अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसे कुछ देर के लिए इस तरीके से मथ लेंगे। थोड़ा सा घी या तेल फैलाएंगे और इसका अच्छे से इस तरीके से रोल बना लेते हैं। कटिंग करेंगे। और इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और ये हमने पेड़े बना लिए इस तरीके से। बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे छोटी रोटी की तरह बेल लेना है। आपको जिस साइज के चोंगे बनाने हो ना, उस साइज की इसको बेल लें। और ये हमने चोंगे मोल्ड लिया, ये देखिए मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस चोंगे मोल्ड के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप तेल भी लगा सकते हैं। और इसको रोटी के ऊपर उल्टा रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेस करें चारों तरफ से। और ये देखिए माशाल्लाह बढ़िया सी डिजाइन बनके तैयार हो गई है। इसे साइड में रख देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर रख के भी इसको बेल सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा बेलें। हल्के से उठाएंगे, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब डिजाइन के हमारे चोंगे बनके तैयार हुए हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर डिजाइन भी कर सकते हैं। ये मैंने रास्पबेरी कलर लिया है, इसको इस तरीके से करेंगे, ये देखिए और ये हमने ग्रीन कलर लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जब आप इसे मेहमानों के परोसेंगे ना तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा। कलर वाले चोंगे का कलर हम सुखाएंगे। सुखाने से क्या होता है, ये फैलेगा नहीं। एक पैन को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, चोंगे को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है, जैसे हम रोटी को सेकते हैं ना सेम उसी तरीके से। पलट लेते हैं, हल्के हल्के से इसको दबा के हमें इसे सेकना है। थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के और फिर सेकेंगे। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे सेक लिया है। आप देख सकते हैं दिखने में कितने ज्यादा खूबसूरत और डिलीशियस लग रहे हैं। और ये हमने इस तरीके से सारे चोंगों को बना लिया है, ये देखिए। चोंगों के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं।
आधा कप के लगभग पानी डालेंगे और 4 चम्मच शुगर। शुगर हम पहले भी डाल चुके हैं, ये शुगर सिरप सिरप चोंगों को सॉफ्ट करने के लिए है। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसके अंदर बॉईल आ गया है। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून नारियल ग्रेट किया हुआ और 1 टीस्पून खसखस। अच्छे से इसको मिला लेना है और इसे हम चोंगों के ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एकदम न्यू स्टाइल के चोंगों को एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।